सो आशिमा, नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉक टेस्ट की। तो मॉक टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी ओवरऑल प्रिपरेशन में, या आपकी प्रिपरेशन में मॉक टेस्ट ने आपको कैसे हेल्प करी? एंड मैं कुछ कुछ चीजें यहाँ पर पूछना चाहूंगा। पहला कि कब मॉक टेस्ट देने चाहिए, कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, कौन सा मॉक टेस्ट हम दें और कैसे कैसे देने चाहिए। सर, मॉक टेस्ट तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो मेरा ये रहता था कि सिलेबस को जल्दी कंप्लीट करके उसके बाद मॉक टेस्ट देने हैं। बट मेरा इवन सिलेबस से पहले ही मैंने तो स्टार्ट कर दिया था, सिलेबस ख़त्म भी नहीं हुआ था मेरा, तो हाफ सिलेबस हुआ था, ऑलमोस्ट हाफ पे ही मैंने शुरू कर दिया था मॉक टेस्ट देना। और तब आप बहुत ज़्यादा गैप में भी दे सकते हो ना, क्योंकि अभी सिलेबस चल रहा है, तो आप वीकली दो वीक में एक भी दे दो तो भी ठीक ही रहता है। तो आप वीकली दे दोगे तो मोर देन इनफ है स्टार्टिंग में तो। और उसके बाद सिलेबस जैसे जैसे कंप्लीट हो रहा है आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। या फिर सर कई बार कैसा है कि आप ज़्यादा मॉक टेस्ट तो दे रहे हो बट एनालिसिस का टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो वो चीज़ बहुत ही गलत, मतलब मिस्टेक है बहुत बड़ी कि आप एनालिसिस में अपना टाइम डिवोट नहीं कर रहे हो। क्योंकि एक घंटे का मॉक देंगे तो एक घंटे का एनालिसिस हो जाता है ऑलमोस्ट, तो इसलिए दो घंटे सोच के चलने चाहिए जब आप प्री का सोच रहे हो तो वो होता है। तो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वीक में एक ही दे रहे हो या दो वीक में भी दे रहे हो पर एनालिसिस उसका करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अब बात आती है कौन सा लें, कौन से मॉक टेस्ट लेना चाहिए, कहाँ का, तो मेरा ये रहता है जहाँ पे बेस बहुत ज़्यादा हो, स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा सही रहता है। अपनी रैंक भी पता चल जाती है, परसेंटाइल भी एक्यूरेट आता है वहाँ पे। तो जितने भी हैं जैसे टेस्ट बुक हो गया, बायजूस के भी दिए हैं मैंने, ऑलिव बोर्ड का भी दिया है। बट थोड़ा सा जो इशू मुझे लगता है किसी किसी मॉक टेस्ट में वो कि रेलिवेंसी का, कि रेलिवेंट नहीं है, कई बार क्वेश्चंस बहुत टफ आ रहे हैं बट उतना वहाँ पे आने नहीं है एक्चुअल एग्ज़ाम में। तो जितना टफ आना ही नहीं है तो उसका कोई यूज़ ही नहीं है, क्योंकि आप फिर अपने ऊपर डाउट करोगे कि आपकी प्रिपरेशन में शायद कुछ तो है, कमी है। बट ऐसा नहीं होता, कई बार क्या होता है आप सही भी जा रहे हो, आपका ट्रैक सब कुछ सही जा रहा है, प्रोग्रेस भी हो रही है, बट आपका मॉक टेस्ट इररेलीवेंट है। तो वो भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉक टेस्ट रेलिवेंट है कि नहीं है हमारे SSC के लेवल से, प्री में भी मेंस में भी, तो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपने ऑलमोस्ट कितने मॉक्स दिए होंगे? हाँ तो सर मैंने काउंट ही नहीं किया, तो मे बी 100-150 तो आराम से हो गए होंगे, मेंस तक तो आराम से हो गए थे। पर मेरा ये ज़रूर रहता था कि मैंने एनालिसिस हर एक का किया है, हर एक मॉक टेस्ट का किया है, और कभी नहीं भी देना तो नहीं भी दिया है क्योंकि एनालिसिस का टाइम नहीं है, तो मैंने नहीं भी दिया है। कभी ऐसा लगता है कि आपको रिविजन पर ज़्यादा फोकस करना है तो आप मॉक टेस्ट थोड़ा कम कर दो, रिविजन ज़्यादा कर लो, कई बार वीक कॉन्सेप्ट हो रहे हैं तो आप रिवाइज कर लो उस टॉपिक को, बेटर रहेगा। क्योंकि आप अगर बार बार मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आपके रिपीटेडली मान लेते हैं 130 आ रहे हैं और आपके 4 मॉक टेस्ट में 130 हैं, तो अब फिफ्थ भी दोगे तो 130 ही आएंगे क्योंकि वो सेम लेवल की प्रिपरेशन है अभी आपकी। तो आपको 130 से इम्प्रूव तभी हो पाएगा जब आप उस टॉपिक, वीक टॉपिक्स को आप पैटर्न को चेक करो, वीक टॉपिक जो है उसको इम्प्रूव करो, क्योंकि बिना इम्प्रूव करे तो कितने भी टेस्ट दे दो सेम स्कोर आएगा आपका। तो बेसिकली अगर किसी का स्कोर रुक जाता है, जैसे बहुत मेरे बच्चे कहते हैं कि सर मेरा 120 भी आगे रुक गया है या 130 भी रुक गया है, तो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग कि मुझे एनालिसिस पे फोकस करना और मैं अपना जो भी मॉक दे रही हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ सीख के जाना है, जो मेरी लास्ट मॉक्स की गलतियां थी उनको मैं सीख के अपना अटेम्प्ट दूं, सो दैट कि आई एम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ और मैं ज्यादा स्कोर कर पाऊँ। मेरा भी सर ऐसे पहले स्टक हुआ 130 के अराउंड हुआ था, तो काफ़ी दिन वहीं रहा, फिर 130 पे ही रहा, तो मुझे ये था कि कैसे इम्प्रूव करूँ। तो मेरा जो भी वीक टॉपिक रहता था कोई भी, स्पेशली मैथ्स में अगर कोई वीक टॉपिक है तो मैं ये सोचती थी कि उसके सब्जेक्ट वाइज मॉक्स दे दूँ, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे दूँ, क्योंकि उस टॉपिक का टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है जो भी आपका वीक टॉपिक है, क्योंकि उसी को स्ट्रॉन्ग करना है जो आपके वीक टॉपिक है हमेशा, क्योंकि वहीं पर या तो सिली मिस्टेक हो रही है या फिर आपका कॉन्सेप्ट वीक है, दोनों पार्ट हो सकते हैं। तो वहाँ से फिर मेरा 150 पे स्टक हो गया। तो ऐसे अलग अलग पॉइंट्स पे सर स्टक होता रहता है, पर ऐसे डीमोटिवेट होने की कोई नीड नहीं है कि मेरा बढ़ क्यों नहीं रहा, 130 है, 140 है, 150 है, कितना भी है, वो टाइम लगता है इम्प्रूव होने में, आधा एक महीने से ज़्यादा भी लग जाता है कई बार, बहुत टाइम लग जाता है इम्प्रूव होने में, क्योंकि सेम ही स्कोर आता रहता है, क्योंकि जब तक पूरा इम्प्रूव नहीं कर लोगे आप टॉपिक्स को तब तक वो स्कोर इंक्रीज़ नहीं कर सकता, वो चीज़।